हे व्यूअर्स, आपका हमारे चैनल अनरीचेबल में स्वागत है। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है आपके ड्रीम इलेवन ऐप में, ये लिखा आ रहा है ओ नो यू आर फ्रॉम रिस्ट्रिक्टेड स्टेट, ऐसा कुछ लिखा आ रहा है। जब भी आप इस ऐप को यूज़ करने की कोशिश करते हो तो इसका सोल्यूशन बताऊँगा कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाए। आपको बस मैं स्टेप्स बताऊँगा उनको फॉलो करना है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है और किसको आती है और इसका रीज़न और सॉल्यूशन क्या है, ये मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। तो ये प्रॉब्लम आती है रिस्ट्रिक्टेड स्टेट में, जहाँ पे ये ऐप है वो बैन कर दिए गए हैं। तो इंडिया में 11 स्टेट है, जैसे असम, सिक्किम, नागालैंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी स्टेट में इस ऐप को इन्होंने बैन कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया सरकार ने। तो ये प्रॉब्लम आती है, अगर आप यहाँ के यूज़र हो तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी ज़्यादातर। तो इसका बैन के रीज़न डिफरेंट बताएं कि ये जो ऑनलाइन बैटिंग ऐप है उनको प्रमोट नहीं करना चाहते, जिसके कारण उनकी सरकार ने, गवर्नमेंट है वहाँ पर, उन्होंने बैन कर दिया गया। तो अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, तो आपको उनको फॉलो करना है। तो मैंने जो इसका सोल्यूशन पाया है, सबसे पहले वो आपसे शेयर करता हूँ, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था। तो मैंने कैसे इसका सोल्यूशन पाया वो मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो का लाइक जरूर करें। अगर आपका जो फ्रेंड है वो किसी अदर स्टेट से है, यहाँ पे जो ये ऐप है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया, तो आपको क्या करना है, आपको उसको कहना है कि इसको लॉग इन करें, और उसको आपको लॉग इन करवाना है आपके मोबाइल नंबर से और OTP से, और तब वो आपके जो आपका अकाउंट है उसको लॉगिन कर पाएगा और उसमें ऐड मनी कर पाएगा, और इससे आपके जो मनी ऐड विदड्रॉ सब कुछ कर पाएगा। बस आपको उसको कहना कि जो आपका नंबर है उसमें आपको OTP सेंड करे, रजिस्टर करे, और रजिस्ट्रेशन के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और उसको SSP कर पाएंगे अलग स्टेट से। पर तो एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है कि इसी आप अलग ऐप से या फिर किसी अलग जो सर्वर होता है उससे यूज़ करके इस ऐप को यूज़ कर सकते हो। जैसे बहुत सारे यूज़र हैं वो डिफरेंट टाइप्स के VPN यूज़ करते हैं इस ऐप को यूज़ करने के लिए। तो डिफरेंट टाइप्स के VPN भी अवेलेबल हैं, आपको इंटरनेट में मिल जाएंगे, उससे भी आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं। पर उससे रिस्क होता है, क्योंकि कभी कभी आपका जो अगर आपके जो अकाउंट है उनके रीच में आ गया तो वो उसको बैन कर देंगे और आपकी जो सारी मनी होगी वो विदड्रॉ नहीं हो पाएगी, तो इसमें एक रिस्क तो बना रहता है। तो पहला मेथड सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, होप करता हूँ कि आप उसको यूज़ कर रहे होंगे। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।